क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम पढ़े तो ये स्पीड डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज स्पीड जो होती है वो होती है इक्वल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये हमारी स्पीड इसके इक्वल होती है। सो इसी चीज़ का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और यूज़ करके इसे सॉल्व करेंगे। लाइक अगर स्टेटमेंट पढ़े तो ये कहा गया, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। तो एक तरह से हमें यहाँ पर डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर कितना है, 360 किलोमीटर्स। सो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आर मोर, अगर स्पीड जो है लाइक हम मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, जो ट्रेन की स्पीड थी उसे मान लेते हैं x किलोमीटर्स पर आर। सो अगर ये स्पीड 5 किलोमीटर पर आर और ज़्यादा होती, यानी कि जो न्यू स्पीड है वो है x+5 किलोमीटर्स पर आर, ये इतनी होती, तो जो टाइम लगा पहले उससे 1 आवर लेस टाइम लगता उस जर्नी में। सो अब इसे समझें तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं, जो पहले टाइम लगा होगा, टाइम जो पहले आया होगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। और पहले टाइम को हम टी मान लें तो वहाँ डिस्टेंस था 360 और स्पीड थी एक्स। अब जो टाइम है वो होगा t-1, वो इक्वल होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अब भी इतना ही रहेगा, दैट इज 360, लेकिन स्पीड हो चुकी होगी 5+x, और वी कैन से x+5। और इसे उसी के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, यहाँ पर हम टी की जगह यहाँ पर 360/x पुट कर देंगे। तो जब हम टी की जगह 360/x यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास जो नई इक्वेशन है हमारी वो कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगी, लाइक 360/x-1 = 360/x+5। और ये एक तरह से अब हमारी नई इक्वेशन आ जाएगी। अब इस नई इक्वेशन को अगर हम देखें यहाँ पर, तो इसे हम क्लियरली सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व कैसे कर सकते हैं, बस जो न्यूमेरिकल्स में यहाँ पर जो न्यूमरेटर में जो वैल्यूज़ हैं उन्हें देखें कि वो क्या क्या है। एक तो x+5 है और एक x है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पूरी इक्वेशन में कर देंगे। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जब हम पूरी इक्वेशन में करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा लाइक x+5 डायरेक्टली हो जाएगा, ये x+5 × 360/x − x·x+5 = 360 × x·x+5 = 5 × x+5। यहाँ से अपॉन वाली वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो यहाँ x से x कट हो जाएगा, x+5 से x+5 यहाँ पर कट हो जाएगा। तो अब हमारी जो इक्वेशन है वो थोड़ी सी चेंज होके आ जाएगी, लाइक यहाँ पर तो हो जाएगा 360x + 1800 − x²+5x = यहाँ पर हो जाएगा 360x। और हम देख सकते हैं राइट साइड एंड लेफ्ट साइड डायरेक्टली 360x से 360x ईजिली कैंसिल आउट भी हो सकता है, तो इसे हम कट कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी अब, दैट इज −x²+5x + 1800 = 0, जिसे हम ये भी लिख सकते हैं सिंपली अगर हम सारे साइंस आपस में इंटरचेंज कर दें तो ये हो जाएगी सिंपली x²−5x − 1800 = 0। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से फॉर्म हो जाएगी। अगर हम यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो वो इजीली किसी भी फॉर्मूले से सॉल्व हो सकती है,
लाइक वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही होता है। तो यहाँ पर हमें ए बी और सी की वैल्यू चाहिए, तो ए हमारा हो जाएगा यहाँ से 1, बी हो जाएगा -5 एंड सी हो जाएगा -1800। और जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से या किसी भी मेथड से इसे सॉल्व करेंगे तो जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो 2 आएंगी, एक वैल्यू तो हमारे पास आएगी -45 एंड एक वैल्यू आएगी 40। नेगेटिव कभी भी स्पीड नहीं हो सकती, हाँ वेलोसिटी ज़रूर नेगेटिव हो सकती है लेकिन स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो स्पीड भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो स्पीड यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू कट हो जाएगी। तो एक्स की जो वैल्यू है एक्चुअली में हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा एक्स होगा 40 किलोमीटर्स पर आर, यानी कि उस की जो स्पीड आएगी वो होगी 40 किलोमीटर पर आर, यानी कि ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी 40 किलोमीटर्स पर आर। तो ये काफ़ी सिंपल है, बस आपको स्पीड डिस्टेंस वाला फॉर्मूला रिलेट करना आना चाहिए कि आप कैसे इस फॉर्मूले को रिलेट कर सकते हैं, तो बहुत इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व भी हो जाते हैं।